आजकल के फास्ट पेस लाइफ में हेल्दी डाइट का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि सही खाना भी उतना ही जरूरी है। हम सभी को अपने डेली डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे बैलेंस डाइट मेंटेन करनी चाहिए और कौन से मिथ्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग नागपुर टुडे। आज हम आए हैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में और हमारे साथ है कंसल्टेंट डाइटिशियन डॉक्टर दीप्ति हटवार। इन सब टॉपिक्स पर आज हम डॉक्टर दीप्ति से बात करेंगे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि डाइट हमारी हेल्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग बीपी और शुगर से जूझ रहे हैं और ऐसे में उनको कई तरह तरह की डाइट सजेस्ट की जाती है, और इसी को देखते हुए मार्केट में भी काफी अलग अलग डाइट आने लगी है जिसे बीपी और हाइपरटेंशन डाइट के नाम से बेचा जाता है। तो इससे ना हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि उन्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे में कौन सा डाइट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत खराब है और कौन सा डाइट बहुत अच्छा होता है? एक्चुअली डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, मतलब अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे जाए तो डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोमायोपैथी और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो चपेटे में आ जाते हैं। इसलिए हमको 4 पिलर्स पे डायबिटीज़ हमेशा डिपेंड करता है। अगर हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं, वो चीज़ों को बराबर फॉलोअप करते हैं वो चीज़ों का, तो हम डायबिटीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। पहला है कि हम अपना आहार अच्छे से लें। सेकेंड है कि हमने अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना है। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि डायबिटीज़ ये स्ट्रेस मैनेज ना होने की वजह से बहुत बार डिटेक्ट होता है और बाद में शुगर बंद करना पड़ता है। एंड थर्ड है डिसिप्लिन। अगर इन चीज़ों को डिसिप्लिन में लाया जाए तो हम ओवरकम कर सकते हैं डायबिटीज़ को। तो पेशेंट टू पेशेंट डाइट वैरी करता है, कभी भी एक ही डाइट हर पेशेंट पे नहीं काम करता है। तो उसका हाइट, वेट, उसका BMI कितना है, HbA1c लेवल कितना है, इस पे स्पेशली डाइट जो है वो डिपेंड करता है। शुगर लेवल कितना, शुगर लेवल, या शुगर लेवल स्पेशली HbA1c, मतलब वही कि 3 महीने का जो ग्राफ था पेशेंट का वो कैसा था, तो उस हिसाब से हम पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग डाइट देते हैं। ओके, और जो मैम मार्केट में डाइट मिलती है तो क्या वो सही में असरदार होती है? एक्चुअली मार्केट में जो डाइट मिलती है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, उस हिसाब से डाइट जो है फॉलो करना चालू कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि पेशेंट को सूट नहीं करता है एज़ पर हिज करंट स्टेटस। तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही, अगर डाइटिशियन के तो डाइटिशियन के या फिर किसी भी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही कोई भी डाइट जो है वो फॉलो करना चाहिए। आइडियली अगर देखा जाए तो हम जो कैलोरी जो है वो मॉडरेट देते हैं डायबिटिक पेशेंट में, हाई फाइबर हाई प्रोटीन देते हैं, तो उस हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। एक पर्टिकुलर डाइट को स्टिक करके हम डायबिटीज़ के अगेंस्ट कभी भी फाइट नहीं कर सकते। मैम अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो कई बार सुनने मिलता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है तो इन्हें दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, छोटे छोटे मील्स खाना चाहिए, और कोई लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ दिन में 1 या 2 बार खाना चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका सही है? एक्चुअली स्मॉल मील्स इन फ्रिक्वेंट इंटरवल्स ये बेस्ट वे है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि पहले से अपने पेरेंट्स लोग जो थे वो भी जो है स्मॉल मील्स इन फ्रिक्वेंट इंटरवल्स ही लेते थे, क्योंकि वो अगर खेती बाड़ी करने वाले भी होंगे तो वो सुबह खा के जाते थे, फिर खाना लेके जाते थे, रात को अलग से खाते थे, फ्रूट्स वहाँ पे उनको फ्रेशली मिल जाते थे। तो एक स्मॉल मील्स इन फ्रिक्वेंट इंटरवल्स ये एक बेस्ट टाइप है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो हम फॉलो कर सकते हैं, तो हमने उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो ब्रेकफास्ट में भी हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ओवरनाइट जो 7 से 8 घंटे का फास्ट हमने किया है वो ब्रेक करना है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेकफास्ट। मैम इस समय इस मौसम में नागपुर में चिकनगुनिया वायरल और डेंगू जैसी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते दिख रही है, तो क्या हम डाइट से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पर्टिकुलर सिर्फ डाइट से नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन चिकनगुनिया एंड फीवर्स स्पेशली, क्योंकि बुखार आते जाता है पेशेंट को। तो बुखार में कैसा है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है बॉडी में, तो आपको वाटर इंटेक बहुत अच्छे से रखना है,
ऊपर से बॉडी जो है जो एनर्जी कंज्यूम करती है वो भी बहुत हाई रहती है, उस वजह से कैलोरी लॉस होता है। तो कैलोरीज भी आपको हाई रखनी है और अच्छे खासे प्रमाण में प्रोटीन और फ्रूट्स भी अपने इसमें ऐड करने हैं। एक स्पेशल डाइट जो है तो हाई कैलोरी में आपको ज़्यादा ये देना और हाइड्रेशन बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना है फीवर्स में। मैम जैसे कि अभी आपने बताया था कि ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस, तो कई लोग होते हैं जो इसे स्किप करना प्रेफर करते हैं और कई लोग होते हैं जो इसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो ब्रेकफास्ट इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है? ब्रेकफास्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ओवरनाइट हम कुछ नहीं खाते हैं। मतलब अगर आइडियली हमने रात को 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए आइडियली, बट हम नहीं खा पाते, 8-9 बज जाते हैं हमको। लेकिन अगर हम इतना ओवरनाइट भी कुछ नहीं खा रहे हैं तो मॉर्निंग में नाश्ता जो है हेल्दी होना चाहिए। अगर डायबिटिक है तो मेनली आप याद रखें कि नाश्ता आप बहुत हेल्दी ले और उसमें फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करने की कोशिश करें। और मैम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में डाइट क्या रोल प्ले करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट आप रेफर करेंगे? एक्चुअली ओवरऑल बैलेंस ही होता है, बैलेंस डाइट इज बेस्ट डाइट टू मेंटेन योर इम्यूनिटी प्रॉपरली। एक्चुअली अगर आप विटामिन्स हो गए जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर प्रॉपर ऐड कर रहे हो, और बॉडी इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, अपने हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है अपनी बॉडी। तो अगर हम अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करें, उसके बाद टाइम टू टाइम खाना खाए, सो साथ ही में अगर आप फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या फिर बाकी मिलेट्स वगैरह आप अपने डाइट में ऐड करें, तो आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस डाइट है वो आप ले सकते हो और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हो। थैंक यू मैम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें और ये हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, सो थैंक यू सो मच।